हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं रितेश और आज है 15 जुलाई। 15 जुलाई से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम लोग देखने वाले हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। इस क्लास का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को सभी क्लासेस के PDF मिल जाएगी, नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, अपडेट्स मिल जाएगी और सभी क्लासेस के आपको लिंक वहां पे देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ झारखंड की वैकेंसी से संबंधित सभी डिटेल्स, नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, सभी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग मस्ट ज्वाइन कर ले। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम पे जाके झारखंड एजुकेशन हब ये सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके रखें। ये जो क्लास आप देख रहे हैं ये क्लास रोज सुबह 5 बजे होती है, यानी डेली मॉर्निंग में 5 बजे ये क्लास होती है। इस क्लास में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं। तो इस क्लास को आप लोग रेगुलर बेसिस पे अटेंड करें। इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखें और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसका आप लोग कमेंट करके आंसर दे सकते हैं, उसका आप लोग आंसर जरूर दें। और लास्ट में लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करते हैं। तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले में उड़ान योजना के तहत एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, देवघर। राज्य के देवघर जिले में उड़ान योजना के तहत एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया गया, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो झारखंड में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण देवघर जिले में किया गया है और कौन सी योजना के तहत किया गया है तो इसे आप लोग याद रखिए, उड़ान योजना के तहत इसका निर्माण किया गया है। उड़ान योजना के तहत यह निर्माण किए जाने वाला देश का 68वां एयरपोर्ट है। देश का कितना वा? तो देश का 68वां एयरपोर्ट है जिसका निर्माण राज्य के देवघर जिले में किया गया है। तो हाल ही में राज्य के देवघर जिले में नवनिर्मित एयरपोर्ट का उद्घाटन PM मोदी के द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन 12 जुलाई को PM मोदी के द्वारा किया गया है। इसका निर्माण जो है 401 करोड़ की लागत से किया गया है। इसे उड़ान योजना के तहत निर्माण किया गया है। तो किस योजना के तहत इसका निर्माण किया गया है इसे आप लोग याद रखे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झारखंड के देवघर में बने एयरपोर्ट का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था। तो झारखंड के देवघर में बने एयरपोर्ट का निर्माण उड़ान योजना के तहत किया गया है। यह उड़ान योजना के तहत निर्माण किए जाने वाला 68वां एयरपोर्ट है। देश की बात करें तो पूरे देश में 68वां एयरपोर्ट जो है देवघर एयरपोर्ट है जिसका निर्माण उड़ान योजना के तहत किया गया है। पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में यानी भारत में 140 एयरपोर्ट हैं वर्तमान में और उड़ान योजना के तहत 68वां एयरपोर्ट का निर्माण राज्य के देवघर जिले में किया गया है। देवघर जिले की बात करें तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि 12 जुलाई को PM मोदी के द्वारा राज्य के देवघर जिले के एम्स और एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था। तो ये जो है उड़ान योजना के तहत इसका निर्माण किया गया है और 68वां एयरपोर्ट है देवघर एयरपोर्ट जिसका निर्माण उड़ान योजना के तहत किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है देवघर एयरपोर्ट और इसका निर्माण उड़ान योजना के तहत किया गया है। एयरपोर्ट की बात करें तो झारखंड में कहाँ कहाँ एयरपोर्ट है, कौन से डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, झारखंड में कितने डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, झारखंड में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो इन सब के बारे में बात करते हैं। चकुलिया एयरपोर्ट की बात करें तो ये कहाँ पे है, चकुलिया में यानी सरायकेला खरसावा में है और ये एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। अगर देवघर एयरपोर्ट की बात करें तो ये देवघर जिले में है, ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की बात करें तो ये रांची में है और ये भी झारखंड का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी झारखंड में केवल 2 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। धनबाद एयरपोर्ट की बात करें तो ये धनबाद जिले में स्थित है और ये एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। बोकारो एयरपोर्ट की बात करें तो ये बोकारो में है और ये प्राइवेट एयरपोर्ट। कौन से कंपनी का है तो ये सेल कंपनी का है, SAIL यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सोनारी एयरपोर्ट की बात करें तो ये जमशेदपुर में है और ये भी एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो झारखंड में टोटल कितने एयरपोर्ट है, झारखंड में टोटल 6 एयरपोर्ट है जिनमें से 4 जो है, 3 जो है डोमेस्टिक है, 1 जो है प्राइवेट है और 2 जो है इंटरनेशनल है। तो इन सभी को आप लोग याद रखें। इसका निर्माण कहाँ पे किया गया था तो इसका निर्माण देवघर जिले में किया गया था। देवघर जिले के बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे, आज से हम लोग फिर से
देवघर जिले के बारे में देखते हैं। देवघर जिले की स्थापना कब की गई थी? तो देवघर जिले की जो स्थापना है वो 1 जून 1981 में की गई थी। कब की गई थी? तो देवघर जिले की स्थापना 1 जून 1981 में किया गया था। यहाँ पे टोटल ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे टोटल 10 ब्लॉक है। ये अपनी बाउंड्री कौन से राज्य के साथ? तो ये अपनी बाउंड्री बिहार के साथ शेयर करता है। झारखंड के कितने जिलों के साथ? तो झारखंड के टोटल 3 जिलों के साथ देवघर अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, गिरिडीह, जामतोरा और दुमका। इन्हीं 3 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। देवघर की बात करें तो देवघर को झारखंड का रिलीजियस कैपिटल यानी धार्मिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। झारखंड के धार्मिक राजधानी उसे कौन से नाम से जाना जाता है? तो देवघर को झारखंड का धार्मिक राजधानी यानी रिलीजियस कैपिटल ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है। देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है, ये मंदिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखें। इसके टोटल एरिया की अगर हम लोग बात करें तो 2479 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है। संथाल परगना डिवीजन के अंतर्गत ये आता है, जिसका हेडक्वार्टर जो है दुमका में स्थित है। देवघर की बात करें तो 925 यहाँ का पॉपुलेशन सेक्स रेशियो है, 66.34% यहाँ का लिटरेसी रेट है और 600 यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है, इसे आप लोग याद रखें। अगर हम लोग सब डिवीजन यानी अनुमंडल की बात करें तो यहाँ पे 2 अनुमंडल है यानी 2 सब डिवीजन है, देवघर और मधुपुर, और ये इसके टोटल 10 ब्लॉक है, आप इन्हें याद रखें। ये इसके 10 ब्लॉक के पोजीशन है तो पोजीशन को भी आप लोग याद रखें। चलिए इसी के साथ में चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आयोजित होने वाले 36 नेशनल गेम्स में झारखंड जो है पार्टिसिपेट करेगा। तो झारखंड पार्टिसिपेट करेगा 36 नेशनल गेम्स में। इसका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वो गुजरात में किया जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। 36वीं नेशनल गेम्स इसका आयोजन गुजरात में किया जाएगा, जिसमें झारखंड जो है पार्टिसिपेट करेगा। तो हाल ही में 7 साल बाद, कब? 7 साल बाद गुजरात में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय नेशनल गेम्स यानी नेशनल गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो वो गुजरात में किया जाएगा, इसमें झारखंड की टीम जो है पार्टिसिपेट करेगी। इसमें 30 खेलों का आयोजन किया जाएगा। कितने खेलों का? तो 30 खेलों का आयोजन इसमें किया जाएगा, लेकिन झारखंड के जो खिलाड़ी हैं वो सिर्फ 15 खेलों में ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें टोटल खेलों का कितना आयोजन किया जाएगा? टोटल 30 खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें झारखंड के जो खिलाड़ी हैं वे 15 खेलों में ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसे आप लोग याद रखें। गुजरात की बात करें तो यह है मैप में गुजरात। गुजरात के कैपिटल की बात करें तो गांधीनगर गुजरात का कैपिटल है, और मैप में कहाँ पे गांधीनगर? मैप में यह है गांधीनगर, ये गुजरात का कैपिटल है। गुजरात के सीएम की बात करें तो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और आचार्य देवव्रत, ये गुजरात के गवर्नर हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं गांधीनगर गुजरात का कैपिटल है और ये इसका टोटल एरिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। राज्य के किस जिले में झारखंड का पहला ब्लू सिंथेटिक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा? तो राज्य के कौन से जिले में झारखंड का पहला ब्लू सिंथेटिक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोकारो। झारखंड के बोकारो जिले में झारखंड का पहला ब्लू सिंथेटिक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोकारो। राज्य के बोकारो जिले में झारखंड का पहला ब्लू सिंथेटिक स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, बोकारो जिले के चंदन क्यारी में। कहाँ पे? तो बोकारो जिले के चंदन क्यारी में इस स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। इस स्टेडियम के निर्माण के बाद यह देश का चौथा स्टेडियम होगा और झारखंड का पहला स्टेडियम होगा। पूरे देश की बात करें तो भारत का ये चौथा स्टेडियम होगा और झारखंड का ये पहला स्टेडियम होगा, ब्लू सिंथेटिक स्टेडियम। ब्लू सिंथेटिक स्टेडियम को कुछ इस तरीके से निर्माण किया जाता है, ये झारखंड का पहला स्टेडियम होगा और पूरे देश की बात करें तो पूरे देश का ये चौथा ब्लू सिंथेटिक स्टेडियम होगा, इसका निर्माण बोकारो जिले में किया जा रहा है, बोकारो। तो यह है मैप में बोकारो। बोकारो की बात करें तो बोकारो की स्थापना कब की गई थी? 1991 यानी 1991 में बोकारो जिले की स्थापना की गई थी। बोकारो में टोटल एरिया की बात करें तो बोकारो का टोटल एरिया कितना है? 2883 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है। छोटा नागपुर नॉर्थ नागपुर डिवीजन के अंतर्गत ये आता है, जिसका हेडक्वार्टर हजारीबाग में स्थित है। इसमें टोटल ब्लॉक की बात करें तो इसमें टोटल 9 ब्लॉक है।
ये अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है और झारखंड के चार जिलों के साथ, धनबाद के साथ, गिरिडीह के साथ, हजारीबाग के साथ और रामगढ़ के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। धनबाद से अलग करके ही 1991 में बोकारो जिले की स्थापना जो है वो की गई थी। बोकारो को बोकारो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि बोकारो में सेल है। अभी हम लोग बोकारो से रिलेटेड एक टर्म देखें, बोकारो में झारखंड का एक एयरपोर्ट है, वो एक प्राइवेट एयरपोर्ट है। किसका है? तो सेल का, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का है। बोकारो में एयरपोर्ट है। झारखंड की बात करें तो पूरे झारखंड में बस केवल 6 ही एयरपोर्ट है। झारखंड का एकमात्र प्राइवेट एयरपोर्ट वो कहाँ पे है? झारखंड का एकमात्र प्राइवेट एयरपोर्ट भी बोकारो में ही स्थित है। इसके लिटरेसी रेट की बात करें, 73.48% यहाँ का लिटरेसी रेट है। 720 जो है यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है। यहाँ पे अगर हम लोग सब डिविजन की बात करें यानी अनुमंडल की बात करें तो यहाँ पे दो ही सब डिविजन है। कौन कौन से? चास और बेरमो। चास और बेरमो यहाँ पे दो सब डिविजन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, चास और बेरमो। और ये इसके टोटल ब्लॉक है, तो ब्लॉक को भी आप लोग याद रखें, टोटल 9 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है? टोटल 9 ब्लॉक है और ये उसके पोजिशन है। हाल ही में कब विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया है? तो विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें, ये 11 जुलाई को मनाया गया है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 11 जुलाई। तो हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस वो कब मनाई गई है? 11 जुलाई को ये मनाया गया है। ये हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये कब मनाया गया है? तो ये 11 जुलाई को मनाया गया है, इसे आप लोग याद रखें। हाल ही में कौन सा राज्य संतोष ट्रॉफी ईस्ट जोन फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड। झारखंड जो है ईस्ट जोन फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी का मेजबानी करेगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में फुटबॉल टूर्नामेंट ईस्ट जोन संतोष ट्रॉफी की मेजबानी झारखंड को दिया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा मेजबानी जो है झारखंड को करने का मौका दिया गया है, तो इसे आप लोग याद रखें। संतोष ट्रॉफी ईस्ट जोन संतोष ट्रॉफी का मेजबानी झारखंड करेगा, तो इसे आप लोग याद रखें। आपसे पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में डीबीसी का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो डीबीसी का जो स्थापना दिवस है वो 7 जुलाई को मनाया गया है। डीबीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 7 जुलाई 1948 में, यानी 1948 में, 7 जुलाई 1948 में डीबीसी की स्थापना की गई थी। तो 7 जुलाई इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डीबीसी की बात करें तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन, क्या है? दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीबीसी का फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता में। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में देवघर जिले में बने एम्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें और इसके बारे में आप लोग डिटेल में लिखिए। चलिए झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में रिविजन करते हैं। हाल ही में राज्य के किस स्टेशन में ई स्कूटी की सुविधा को शुरू किया गया? ई स्कूटी यानी इलेक्ट्रिक स्कूटी की सुविधा को राज्य के कौन से स्टेशन में शुरू किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टाटानगर। टाटानगर स्टेशन में ई स्कूटी की सुविधा को शुरू किया गया, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टाटानगर। और ये झारखंड का पहला ऐसा स्टेशन है जहाँ पे ई स्कूटी की सुविधा को शुरू किया गया है। तो झारखंड का पहला स्टेशन है जहाँ पे ई स्कूटी यानी इलेक्ट्रिक स्कूटी की सुविधा को शुरू किया गया है, तो इसे आप लोग याद रखें। हाल ही में किनके द्वारा जन समर्थन पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो जन समर्थन पोर्टल की बात करें तो ये नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी ऑप्शन ए इसका भी कुछ सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में कब पहली आदिवासी कवयित्री सुशीला सामंत मुंडा की जयंती मनाई गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 7 जून। 7 जून को इनकी जयंती जो है वो मनाई गई है। हाल ही में पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड के अजीत कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो झारखंड के अजीत कुमार की बात करें, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जो है प्राप्त, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में ईस्ट जोन आर्चरी चैंपियनशिप में झारखंड को कितने मेडल मिले? तो ईस्ट जोन आर्चरी चैंपियनशिप की बात करें, इसमें झारखंड को टोटल 6 मेडल मिले, यानी 6 पदक मिले, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।